दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम 11th अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें अकाउंटिंग में सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर तरीके से लिखना पड़ता है, और उस तरीके से लिखने के लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, है ना। जैसे भी कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उस ट्रांजेक्शन को, जैसे एक ट्रांजेक्शन उठाते हैं अपन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा रुपए 5000 का। अब इस ट्रांजेक्शन के मुताबिक आप प्रॉफिट लॉस थोड़ी निकाल पाओगे, ये लाइन तो आप याद रख लोगे, क्या प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे? नहीं। अकाउंटिंग में इन ट्रांजेक्शन को लिखने का एक तरीका होता है और उस तरीके के लिए ये रूल्स अपनाए जाते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम ये समझेंगे के रूल्स क्या है, साथ में डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं ये भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन डबल एंट्री अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एंड इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स। मतलब कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, जिसमें हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक ट्रांजेक्शन जो है दो अकाउंट्स पे इफेक्ट करता ही है, तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट पे इफेक्ट करता है और दो जगह पर रिकॉर्ड होता है। कैसे दो जगह पर रिकॉर्ड होता है वो जानते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे एक एग्जांपल लिया है, एक ट्रांजेक्शन मैंने, अब ये भाई साहब देखिए, ये है मान लो प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक, और ये है बिजनेस। अब पहली चीज मैं बता दूं आपको, जब आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट या पूरी अकाउंटिंग भी कर रहे हो तो एक चीज दिमाग में याद रखना कि हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रोप्राइटर के लिए नहीं, है ना। हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। तो दिमाग में होना चाहिए कि हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर लिए हमारे लिए अलग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी या एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोप्राइटर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो हमेशा दिमाग में ये कहानी बनाकर रखिए कि हम जो भी कर रहे हैं बिजनेस के लिए, हम सर्वेंट है, अकाउंटेंट है, किसके? बिजनेस के। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये देखिए, प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसा दिया 2,00,000 रुपए, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कैपिटल। तो प्रोप्राइटर का जो हिसाब रखा जाएगा वो कैपिटल में। तो एक अकाउंट तो हो गया कैपिटल जो अफेक्टेड हो रहा है, दूसरा बिजनेस के पास भैया आ रही है कैश, तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश कितनी आ रही है? 2,00,000 रुपीज। तो दो अकाउंट इफेक्ट हो गए ना, एक तो प्रोप्राइटर और एक कैश। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, एक बिल्डिंग खरीदी बिजनेस ने, किसने खरीदी? इस बिजनेस ने एक बिल्डिंग खरीदी, 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग है भैया, तो बिजनेस के पास प्रॉपर्टी हो गई, असेट हो गई। क्या असेट हो गई? बिल्डिंग, है ना। तो एक अकाउंट तो कौन सा हो गया? बिल्डिंग। दूसरा, जब बिजनेस बिल्डिंग खरीदेगा तो उसको कैश देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो बिजनेस के पास से कैश भी जाएगी, तो कैश गई 1,00,000 और बिल्डिंग आई 1,00,000 की। तो एक चीज गई, दूसरी चीज आई, तो दो अकाउंट पे इफेक्ट हो गया। तो ये देखिए, हर ट्रांजेक्शन बिजनेस के दो अकाउंट पे इफेक्ट करता है। इन अकाउंटिंग द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट वेदर द ट्रांजेक्शन आर टू रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। अब देखिए, अकाउंट तो वैसे लेजर जो हम पढ़ेंगे टॉपिक उसमें बताऊंगा मैं, फिर भी कोई भी चीज का हिसाब आप रख रहे हो, जैसे बिजनेस में कैश का हिसाब आप रख रहे हो, है ना, अकाउंट मतलब होता है हिसाब, तो बिजनेस में कैश का हिसाब आप रखते हो, तो ये दो साइड आपके पास रहेगी, ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। ओके, तो लेफ्ट राइट दो साइड रहेगी, इसमें एक तरफ पैसा आ जाएगा रिसीव्ड, एक तरफ पैसा चला जाएगा पेमेंट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कैश का, है ना, दो साइड रखनी पड़ेगी किसी भी अकाउंट में। या यूं मान लो कि ये है मिस्टर मेहता, अब मिस्टर मेहता का हिसाब किताब रख रहे हो, तो क्या हिसाब किताब रखोगे मिस्टर मेहता का? मान लो मिस्टर मेहता जी से आप माल खरीदते हो कि भैया गुड्स कितने का हमने खरीदा, तो ये गुड्स खरीदा कि गुड्स आया, है ना, और पैसा कितना हम दे चुके हैं कि कैश कितनी गई। तो फाइनली मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। अब इन साइड को ही क्या कहा जाता है? इन साइड को कहा जाता है दोस्तों डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। तो जनरली ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है अकाउंटेंट की। तो कोई भी ट्रांजेक्शन को इधर लिखा जाए या इधर लिखा जाए, लेफ्ट में लिखा जाए राइट में लिखा जाए, ये डेबिट क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग तय होता है। व्हेन, आगे पढ़ते हैं, व्हेन रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन द टोटल अमाउंट
डेबिटेड मस्ट इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। दोस्तों अब अकाउंटिंग किस चीज का नाम है कि भैया हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए, हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा? आपने परचेज किया गुड्स, परचेज गुड्स मतलब माल खरीदा फॉर रुपीज 2 लाख। अब 2 लाख का माल खरीदोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास गुड्स आएगा 2 लाख का। तो जब गुड्स आएगा 2 लाख का तो या तो आप कैश दोगे 2 लाख की, कैश भी कितनी दोगे 2 लाख की, या आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 2 लाख के। ऐसा पॉसिबल है क्या कि गुड्स आया 2 लाख का और कैश खाली 1.5 लाख गई? हिसाब बराबर नहीं होगा। तो हिसाब बराबर होना चाहिए, इसलिए हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट की टोटल बराबर होगी, मतलब दोनों साइड की टोटल बराबर होगी। ये आगे पता चल जाएगा आपको जब हम रूल्स पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के, वो आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग पढ़ने होंगे। मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हर टाइप के अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट के रूल क्या है। क्योंकि ये देखिए, ये अकाउंट हमने देखा मिस्टर मेहता जी का अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट हुआ, तो हर अकाउंट के हिसाब से ही तो उसके रूल चलेंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों अकाउंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना। सबसे पहला हम अगर देखें तो वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल दोज एंटिटीज दैट डील विद द बिजनेस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। वो सारी एंटिटीज जो बिजनेस के साथ डील करती हैं वो पर्सनल अकाउंट होती है। जैसे ये आपका है बिजनेस, ओके ये आपका बिजनेस है। अब आपके बिजनेस के साथ प्रोप्राइटर डील कर रहा है, आपका बिजनेस मतलब आप प्रोप्राइटर ही है, मान लिया मैंने, पर आप तो अकाउंटेंट हैं, है ना। और किसकी तरफ से बिजनेस कर रहे हैं, सॉरी किसकी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ से। तो आपके बिजनेस की एक पार्टी तो कौन हो गई, प्रोप्राइटर, तो ये एक एंटिटी हो गई। एक सप्लायर, सप्लायर जिससे आप माल खरीदोगे, एक कस्टमर जिसको आप माल बेचोगे, है ना, या बैंक जिसके साथ आप लेन देन करोगे। तो ऑल दोज एंटिटीज, ये एंटिटीज हैं, एंटिटीज मतलब ये अलग अलग पार्टियां हैं जिनके साथ बिजनेस बिजनेस करता है, जिनके साथ हमारा जो एंटरप्राइज है ना ये डील करता है, ट्रांजैक्शन करता है। तो ये सारी पार्टियां जो हैं, प्रोप्राइटर हो गया, सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, बैंक हो गया, ये सभी आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। तो इसको शुद्ध भाषा में अगर हम कहें तो वो लोग या वो एंटिटीज जिनके साथ डील की जाती है बिजनेस के द्वारा, वो सब कौन से अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर एंटिटीज क्यों यूज किया, पर्सन क्यों नहीं, क्योंकि प्रोप्राइटर भी पर्सन है भैया, सप्लायर भी पर्सन है, कस्टमर भी पर्सन है। परंतु ये भी तो सोचिए, आप किसी कंपनी से माल खरीद रहे हो, कंपनी जैसे टाटा से माल खरीद रहे हो, तो टाटा एक कंपनी है, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप रतन टाटा साहब के घर जाओगे और बोलोगे माल दे दो भैया, है ना, नहीं, आप कंपनी के ऑफिस में जाओगे, डील करोगे, मतलब आप डील किससे कर रहे हो, कंपनी से। तो कंपनी भी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पर्संस वो लोग या वो एंटिटी जिनसे बिजनेस डील कर रहा है वो कौन से अकाउंट कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट। जैसे कि प्रोप्राइटर, क्रेडिटर, डेटर। प्रोप्राइटर कौन है, बिजनेस का मालिक। क्रेडिटर जिसको आपको पैसा देना है, और डेटर जिससे आपको पैसा लेना है। ये टर्म्स में पढ़ा था हमने। तो रूल क्या है भैया, रिसीवर डेबिटेड, गिवर क्रेडिटेड। रिसीवर को डेबिट करो, ये डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DR, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CR। तो आपको ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड में रिसीवर को किस तरफ रखना है आपको। रिसीवर मतलब होता है जो लेगा, जो जिसको भी प्राप्त होगा। जैसे ये बिजनेस है हमारा, ओके ये हमारा बिजनेस है। अब ये एक पार्टी है मिस्टर मोहन, है ना। अब मिस्टर मोहन को बिजनेस कैश दे रहा है, कैश दे रहा है, तो मिस्टर मोहन कौन हुआ, रिसीवर हुआ। तो मिस्टर मोहन को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। अब ये है मिस्टर हरीश, है ना, मिस्टर हरीश बिजनेस को कैश दे रहा है। कितनी कैश दे रहा है, 50,000 दे रहा है। तो मिस्टर हरीश बिजनेस के लिए क्या हुआ, मिस्टर हरीश बिजनेस के लिए हुआ गिवर, है ना।
गिवर हुआ मिस्टर हरीश, तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। बस ये साइड का पता लगाना है। तो रिसीवर, रिसीवर विल बी डेबिटेड एंड गिवर विल बी क्रेडिटेड। जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करना है, यही रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहता है। एग्जांपल ले रहा हूं कुछ, जैसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनुज रुपीज 10,000, कैश रिसीव हुआ इसका, अभी अभी एग्जांपल देखा अनुज से। अब भैया किसको रिसीव हुआ, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की, तो बिजनेस को रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, अनुज से। तो यहां पर भैया साहब अनुज जो है वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। अब ये तय करना पड़ेगा कि अनुज डेबिट होगा क्रेडिट, मतलब इसको डेबिट साइड लिखा जाए या क्रेडिट साइड लिखा जाए, मतलब मैं इस खाली साइड की बात कर रहा हूं अभी कि ये डेबिट साइड में रखा जाए या क्रेडिट साइड में रखा जाए। तो अनुज कौन है, रिसीवर है गिवर है, देखो कैश रिसीव फ्रॉम अनुज, कैश रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, अनुज से, किसको रिसीव हो रहा है, बिजनेस को, तो बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, पर अनुज तो दे रहा है ना, अनुज कौन हुआ, अनुज हमारा हुआ गिवर, इसलिए अनुज को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर ट्रांजेक्शन ये हो कैश पेड टू राम, राम को कैश पे कर रहे हैं, तो कौन पे कर रहा है, रुपीज 2000 देख लो कि राम को कैश पे कर रहे हैं, कौन पे कर रहा है। अब मान लो आप राम को कैश पे कर रहे हो तो उसका हिसाब मेरा बिजनेस क्यों रखेगा, मेरा बिजनेस राम को कैश पे कर रहा होगा तभी तो हम लिख रहे हैं, इसलिए कैश पेड टू राम, राम को हम पे कर रहे हैं, तो राम विल बी रिसीवर क्योंकि उसको तो मिल रहा है ना पैसा, तो राम रिसीवर हुआ, तो राम को क्या करना है, डेबिट, बस यही देखना है ना। इसके और भी एग्जांपल नीचे हम देखेंगे, पहले खाली रूल्स को समझ लिया जाए, दूसरे रूल्स पे चलते हैं दोस्तों। रियल अकाउंट, पहला रूल क्या था हमारा, जिनसे ट्रांजेक्शन करते हैं वो पर्सनल अकाउंट, जैसे डेटर से किया, क्रेडिटर से किया, प्रोप्राइटर से, तो जिनसे ट्रांजेक्शन करते हैं वो पर्सनल अकाउंट। अब इसके बारे में पहले ही लाइन बोल दूं, जिसका ट्रांजेक्शन करते हैं वो रियल अकाउंट, जिसका, इसके बारे में पढ़ते हैं। द रिसोर्सेज दैट आर ट्रांजेक्टेड इन द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट, वो रिसोर्सेज जिनको ट्रांजेक्ट किया जाता है, जिनका ट्रांजेक्शन किया जाता है, पहले में क्या पढ़ा, जो आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या मैं कहूं मैं बिजनेस हूं या मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, तो बिजनेस जिनसे ट्रांजेक्शन करेगा, ये वर्ड जिनसे मतलब कि वो लोग है ना, या वो पार्टीज, वो एंटिटीज पर्सनल अकाउंट होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि जिनका या जिसका, किस चीज का हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या होगी, वो आपके लिए होगी रियल अकाउंट। जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं कैश से, या कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, ये हमारा बिजनेस। अब कई बार दिन भर में कैश आती भी है और कैश जाती भी है, तो ट्रांजैक्शन होता किस चीज़ से है भैया, कैश से होता है, क्योंकि कैश बिजनेस में आप कैश से माल खरीदोगे, कैश से मशीन खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे, तो कैश से ही ट्रांजेक्शन करोगे, या कैश का ट्रांजेक्शन करोगे। मशीनरी बिजनेस में आपको जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए असेट है, तो इसका मशीन का भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, तो मशीन भी बिजनेस में आ सकती है, मशीन बिजनेस से जा सकती है ना। तो मशीन अगर बिजनेस में आ सकती है, जा सकती है, इसका मतलब आप मशीन का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेन देन किस चीज का कर रहे हो, मशीन का, फर्नीचर का लेन देन कर सकते हो, बिल्डिंग का, तो ये चीजें बिजनेस में आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। आ सकती है, जा सकती है, मतलब कहीं से मिलेगी नहीं, दान में नहीं मिलेगी, या आप फोकट में किसी को नहीं दे दोगे, ये चीजें या तो आप परचेज करोगे या सेल करोगे या रिसीव करोगे, कैश के बारे में बोल रहा हूं, कैश या तो रिसीव करोगे, पेमेंट करोगे, मतलब जिन चीजों का ट्रांजेक्शन होता है वो चीजें बिजनेस के लिए, वो रिसोर्सेज बिजनेस के लिए रियल अकाउंट्स होते हैं, है ना। रूल्स क्या रहेगा इसका, रूल्स रहेगा व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिटेड बट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिटेड, जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करना है, जो बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करना है। बिजनेस में आएगा जाएगा ये क्या होगा, देखिए जैसे परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 20,000, मशीन परचेज की 20,000 रुपीज की, तो बिजनेस के पास क्या आया भैया, बिजनेस के पास आया
मशीनरी कितने रुपए का आया है? 20,000 का। और बिजनेस से गया क्या है? बिजनेस से कैश गया है। कितना गया है? 20,000। तो जो बिजनेस के पास आया मशीन आया तो मशीन डेबिट, और जो गया क्या गया? कैश गया, तो कैश क्रेडिट। तो पहले तो आपको ट्रांजैक्शन में पहचानना है कि कौन सी चीज रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। अब देखो यहां पर मशीन आपके लिए क्या है? रियल अकाउंट। क्यों है रियल अकाउंट? मशीन बिजनेस में आ भी सकती है और जा भी सकती है, मशीन का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, राम से मशीन खरीदी। तो भैया मेरे, राम जो है, राम रियल अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि राम का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मशीन को तो ट्रांजैक्ट कर सकते हो, मशीन का लेन देन कर सकते हो, लेकिन किस से कर रहे हो? राम से कर रहे हो। तो राम विल बी पर्सनल अकाउंट एंड मशीनरी विल बी रियल अकाउंट, दैट्स व्हाई। अब मशीन के बारे में बात करते हैं। मशीनरी अगर रियल अकाउंट है तो मशीनरी क्या हो रही है? बिजनेस में आ रही है, दैट्स व्हाई मशीनरी विल बी डेबिटेड। और राम का तो रूल ऊपर था, राम मशीन हमें दे रहा है, क्योंकि परचेज किससे कर रहे हैं? राम से। तो राम क्रेडिटर हुआ वो रूल के मुताबिक, तो राम हो गया क्रेडिट और मशीन हो गई डेबिट। तो सेम अमाउंट से डेबिट, सेम अमाउंट से क्रेडिट, ये दो रूल्स को अगर मिक्स कर दूं मैं, तो यहां फिलहाल मैं देख रहा हूं कि जो चीज मशीन या कोई भी चीज बिजनेस में आती है तो उसको डेबिट करना है। जैसे इसमें मशीन आई थी तो डेबिट किया। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसमें पेड कैश टू मनोज ₹500। मनोज को कैश दिया ₹500। किसने दिया? बिजनेस ने, क्योंकि हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। मनोज को कैश दिया ₹500। किसने दिया? बिजनेस से। बिजनेस ने, तो बिजनेस के पास से कैश जा रही है। कहां जा रही है? मनोज के पास। तो ये रहा भैया हमारा मनोज और ये रहा हमारा बिजनेस। बिजनेस से कैश मनोज के पास जा रही है, तो बट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिटेड। तो कैश तो हो गई क्रेडिट, है ना। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश आपके लिए थी रियल अकाउंट, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन कर रहे हो। किस से कर रहे हो? मनोज से। इसलिए मनोज कौन है? पर्सनल अकाउंट। अब भैया मनोज रिसीवर है, गिवर है, तो मनोज हम पे कर रहे हैं और मनोज को मिल रहा है, तो मनोज भैया रिसीवर है और कैश हमारे पास से जा रही है, तो व्हाट गोज आउट है, इसलिए जो गोज आउट है वो क्रेडिट हो गया, तो कैश विल बी क्रेडिटेड। कैश तो हो गई क्रेडिट, और मनोज क्योंकि वो रिसीवर है वो डेबिट। मैं दो रूल मिक्स कर दूं अगर तो, और खाली अगर आप रियल अकाउंट का रूल देखें तो कैश जा रही है आपके पास से, इसलिए वो क्रेडिट हो गई। तो ट्रांजेक्शन में आपको ऐसे अकाउंट्स पहचानने होंगे कि इसमें पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है। तो दो अकाउंट के रूल तो आपने समझ लिए। आगे बढ़ते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट्स आर टेम्परेरी अकाउंट्स बिजनेस यूज टू रिकॉर्ड इनकम गेन एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट होते हैं जिनको कि बिजनेस यूज करता है किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए? इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, गेन को, एक्सपेंडिचर को, लॉसेस को। इनकम मतलब होता है कमाई, पैसा कमाया, है ना। गेंस भी एक तरह से कमाई ही होती है, दोनों में डिफरेंस ये होता है। जैसे आप गुड्स सेल कर रहे हो, है ना, गुड्स सेल किया, क्यों सेल किया? खरीदा ही इसीलिए था, माल बेचने के लिए ही खरीदा जाता है, उससे ₹20,000 मिले, ये आपकी इनकम है। लेकिन आप बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग यूज कर रहे थे, बिल्डिंग यूज कर रहे थे 5,00,000 की, आपने सोचा है छोटी वाली बिल्डिंग बेच दो, बड़ी वाली बिल्डिंग खरीदते हैं, इस बिल्डिंग को बेचने से आपको ₹6,00,000 मिले, तो ये आपके लिए गेन है, इनकम नहीं है, गेन है। ओके, एक्सपेंडिचर और लॉसेस। एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पेमेंट्स आपको करने पड़ते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं, और लॉस बिजनेस करने में जो अनसर्टेनिटीज की वजह से, रिस्क की वजह से जो नुकसान आपको होता है वो लॉसेस होते हैं। तो बिजनेस में कौन कौन सी इनकम, कौन कौन से एक्सपेंसेस, लॉसेस होते हैं, है ना। देखिए ये सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, कार्टेज, बहुत सारी इनकम, बहुत सारे एक्सपेंस। अब सैलरी बिजनेस पे करता है अपने एम्प्लॉइज को, तो ये क्या हुआ? बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ। अगर बिजनेस ने कोई चीज किराए पर उठा रखी है, रेंट पे कर रहा है ना, तो उसके लिए रेंट पे करेगा, ये खर्चा। इंटरेस्ट, बिजनेस को ब्याज मिल भी सकता है अगर उसका कोई डिपॉजिट हुआ तो, और बिजनेस को ब्याज देना भी पड़ सकता है अगर उसने कोई लोन वोन उठा रखा हो। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकता है।
कमीशन की अगर बात करें, कमीशन अगर बिजनेस सर्विस प्रोवाइडिंग है या किसी टाइप का बिजनेस है जिसमें इसको कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन इसके लिए इनकम हो गई और कमीशन दे रहा है सेल्समैन वगैरह को तो ये इसके लिए एक्सपेंडिचर। अगला है कार्टेज, भाड़ा जो होता है ना, माल लाने के लिए भाड़ा, माल पहुँचाने के लिए भाड़ा, ये क्या है बिजनेस के लिए एक्सपेंस। ऐसे कई तरह के बिजनेस में एक्सपेंस और इनकम होते हैं। इनको टेम्परेरी अकाउंट क्यों बोला है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस का एक साल का इनकम या एक्सपेंसेस उसी साल के हिसाब किताब में गिन लिया जाता है। जैसे इस साल आपने 2 लाख रुपए की सैलरी दी, टोटल इंप्लॉइज को सैलरी कितनी दी, 2 लाख रुपए की, तो इस साल अकाउंट ओपन किया जाएगा, अकाउंट खाता खोला जाएगा सैलरी का। उसके बाद जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस सैलरी अकाउंट को वहां पर बंद कर दिया जाएगा, है ना। वो हम आगे एंट्रीज में पढ़ेंगे कि सैलरी अकाउंट बंद कैसे किया जाएगा। तो ये सारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं जो केवल एक साल के लिए खोले जाते हैं, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में मर्ज कर दिए जाते हैं, है ना। आगे कौन से जाते हैं, आगे पर्सनल और रियल अकाउंट ही जाते हैं एक साल के आगे, बाकी नॉमिनल अकाउंट्स यहीं पर एक साल में खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी अकाउंट्स बोला जाता है। तो दोस्तों फाइनली नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल क्यों कहा जाता है, अब इसको इस पे भी चर्चा करते हैं। भैया ये नाम मात्र क्या होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती। हमने पढ़ा कैश, ऊपर कैश पढ़ा, कैश आपने देखी है, होता भी है, नोट है भैया, कड़क कड़क है, नोट होते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने देखी है, फर्नीचर आप देखते हो, इसलिए रियल अकाउंट है, ये वास्तविकता में होते हैं, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं। पर्सन जिनसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका भी एक एग्जिस्टेंस है, मार्केट में अस्तित्व है, और ये कैश फर्नीचर बिल्डिंग इनका भी अस्तित्व होता है। पर अब मुझे बताओ कि सैलरी किसने देखी है, सैलरी कभी देखी है, ये बंदा है हमारा, ये बंदा है, इसको 5,000 रुपये सैलरी आपने दी, बुलाया और सैलरी दी, ले भैया तेरे 5,000 रुपये, ये तुम्हारी सैलरी है। उसने बोला हाँ हाँ मालिक ये तो सैलरी है, तो ये सैलरी नहीं है भैया, ये कैश है, खाली वो पेमेंट का नाम सैलरी दे दिया गया। इट मीन्स जब कोई बंदा आपके यहाँ काम करके गया उसको आपने सैलरी दी, जब किसी बंदे ने आपको पैसा उधार दिया था उसके बदले में उसको पैसा दिया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। किसी बंदे ने आपके साथ कमीशन बेसिस पर काम किया, है ना, कि भाई इतना बेचेगा तो इतना पेमेंट देंगे, तो उसका पेमेंट किया तो उसको आपने कमीशन बोल दिया। मतलब ये पेमेंट्स के नाम है, पेमेंट्स के इनकम के अलग अलग नाम है, बाकी ऐसी कोई चीज होती नहीं है। सैलरी किसने देखी, नहीं देखी, ब्याज कैसा दिखता है, नहीं दिखता। मैं बोलूं ब्याज रख दो मेरे हाथ में, नहीं रख सकते, क्योंकि कैश रख सकते हो, ब्याज जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो ये टेंपरेरी अकाउंट होते हैं जिनको कि प्रॉफिट लॉस मेजर करने के लिए ओपन किया जाता है एक साल के लिए और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके रूल्स क्या है दोस्तों, रूल्स हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, सारे खर्चे और नुकसान को डेबिट करो, खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए जो होते हैं उनको डेबिट करो, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिटेड, सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करो, है ना। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करना है। जैसे कि ये रहा आपका बिजनेस, अब आपने सैलरी पे किया, सैलरी पे किया, ये आपका खर्चा हुआ सैलरी पे करना, है ना, कितना रुपए, 2,000 सैलरी पे किया, तो ये खर्चा है, तो खर्चों को आपको क्या करना है, डेबिट। तो अगर लिखा है पेड सैलरी ₹2,000, तो इसमें सैलरी आपको पहचानना है, पहले तो सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है तो भैया आप सैलरी पे कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपको ट्रांजेक्शन में पहचानना है। एक और चीज बता दूं दोस्तों, इस ट्रांजेक्शन में ही देखो, पेड सैलरी ₹2,000, इसमें दो अकाउंट है, एक तो हो गया सैलरी अकाउंट और एक और कौन सा है, आप पे कर रहे हो ना, पेड, पेड क्या है, देखो पे भुगतान करना, पे करने की सेकंड फॉर्म है पेड, पे करना मतलब कि देना, और पेड मतलब दे चुके, तो कैश तो जा चुकी है इसमें। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है हमारा रियल अकाउंट, तो जब भी कैश जाती है तो क्रेडिट, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, सैलरी हो गई डेबिट और कैश हो गई क्रेडिट। ओके, तो जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको डेबिट करना है। इसके साथ ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, रिसीव्ड कमीशन ₹500, कमीशन रिसीव हुआ 500, तो कमीशन अगर आपको मिल रहा है, जैसे आपको कमीशन मिला 500, मैंने कहा यार आपका तो खर्चा हो गया, आपको 500 मिला,
जमी क्या बात नहीं जमी, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो आपको खर्चा नहीं हुआ, आपकी इनकम हुई। तो रिसीव्ड कमीशन क्या है आपके लिए? इनकम है। तो कमीशन आपके लिए इनकम है, तो कमीशन क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, है ना। और क्या रिसीव हो रहा है? कैश। तो एक अकाउंट तो हो गया इसमें कमीशन, एक हो गया कैश। आपके पास कैश आ रही है तो कैश हो गई डेबिट और कमीशन हो गया क्रेडिट। तो इस तरह से सारे एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है और सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना है और सारी इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल से देखेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन में हम अकाउंट्स पहचानेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट है और कौन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, वापस से ले। तो दोस्तों कुछ ट्रांजेक्शन पे ध्यान देते हैं और इन ट्रांजेक्शन की मदद से हम पहचानेंगे कौन से ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट है और डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 4 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और 4 लाख रुपए से। अब ये आपका बिजनेस रहा। अब इस ट्रांजेक्शन में आपको 2 अकाउंट पहचानना है। कौन कौन से 2 अकाउंट है? सबसे पहली बात, बिजनेस में कैश आ रही है, कैश आ रही है। और कौन दे रहा है? प्रोपराइटर। बिजनेस स्टार्ट करेगा तो प्रोपराइटर कैश दे रहा है, तो प्रोपराइटर तो हो गया बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट। और प्रोपराइटर बिजनेस को पैसा दे रहा है इसलिए गिवर है, गिवर विल बी क्रेडिटेड, तो प्रोपराइटर तो हो गया क्रेडिट और मतलब कैपिटल। प्रोपराइटर जो पैसा देगा उसको कैपिटल कहेंगे, तो कैपिटल अकाउंट तो हो गया क्रेडिट। और बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। What comes in business will be debited. तो कैश आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है इसलिए डेबिट। दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, मशीनरी परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल रुपीज 2 लाख। अब राहुल से हम मशीन परचेज कर रहे हैं, ये रहा भैया हमारा राहुल और ये मशीन, है ना। मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन तो बिजनेस में आ रही है, मशीन बिजनेस में आ रही है। मशीन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल हो सकता है। मशीन कोई पर्सन है क्या? नहीं है, है ना। नॉमिनल ऐसा चीज जो दिखाई नहीं दे, मशीन तो दिखाई देती है, इसलिए मशीन कौन सा है? मशीन ना पर्सनल हो सकता है ना नॉमिनल हो सकता है, मशीन रियल अकाउंट है। आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। मशीन आ रही है इसलिए डेबिट। अब कौन दे रहा है हमें? राहुल दे रहा है ना, राहुल दे रहा है, तो राहुल हो गया भैया गिवर। अब आप कहेंगे राहुल देगा तो राहुल पैसे भी तो लेगा, अभी तो नहीं दे रहा ना, यहाँ लिखा है क्या कि राहुल ने कैश में दिया है, अभी हम इसलिए इसको मानेंगे उधार। तो खाली मशीन दे ही रहा है, वो कैश नहीं ले रहा है बदले में, इसलिए वो खाली गिवर है। अगर यहाँ लिखा होता परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल फॉर कैश, अगर हमने राहुल को कैश दे दी होती तो राहुल का भैया हम नाम ही नहीं लिखते। क्यों लिखते नाम? मान लो आप दुकान पे जाते हो, एक पेन खरीदते हो, पेन खरीदा और चले आए, 10 रुपए दिया, पेन लिया, चले आए, दुकानदार आपका नाम पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? आपने पैसा दिया, उसने पेन दिया, खत्म काम। क्या आप दुकानदार का नाम पूछोगे? नहीं। तो जहाँ कैश ट्रांजेक्शन होता है वह पर्सनल का तो कोई काम नहीं है, इसलिए राहुल यहाँ गिवर है, क्योंकि उससे हम उधार मशीन खरीद रहे हैं, है ना। तो राहुल हो गया भैया आपका पर्सनल अकाउंट, गिवर है इसलिए क्रेडिट, और मशीन आपके पास आ रही है इसलिए डेबिट। आगे बढ़ते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहां देखो, ये रहा हमारा बिजनेस, हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, है ना। क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर, पर किसी से नहीं, हम तो कैश में खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस से जा रही है। व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिटेड, फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है, रियल अकाउंट है, है ना। कैश भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं हम, ये भी दिखती है, इसलिए क्या है? रियल अकाउंट है। तो दोनों ही रियल अकाउंट है, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गई। पेड रेंट रुपीज 5000, रेंट पे कर रहे हैं 5000। अब रेंट जब आप पे करोगे तो रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। ये बिजनेस, अब इसका आप किराया भर रहे हो 5000 रुपए। रेंट क्या कोई पर्सन है? नहीं है। रेंट ऐसी चीज है जो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, इसलिए रेंट हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल का क्या रूल है? जो खर्चे हैं, लॉसेज है, उनको डेबिट करो। आप रेंट पे कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस, और एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो एक अकाउंट तो पकड़ में आ गया भैया, रेंट, और रेंट क्या होगा? डेबिट होगा। अब दूसरा अकाउंट कहाँ है? या तो पेड लिखा है ना, 5000 रुपए लिखे हैं, तो कैश दे रहे हो ना, पेड रुपीज 5000, तो आप क्या दे रहे हो? कैश। तो कैश जा रही है बिजनेस से और रेंट आप भर रहे हो, तो कैश बिजनेस से जा रही है बट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिटेड, क्योंकि कैश के लिए कौन सा रूल लग रहा है? रियल अकाउंट का। तो कैश जा रही है तो
क्रेडिट हो जाएगी और रेंट खर्चा इसलिए डेबिट हो जाएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 2000 फ्रॉम हरी, हरी से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है समझना, क्योंकि जहां नाम भी आ जाता है और नॉमिनल अकाउंट भी आ जाता है वहां दिक्कत आती है। ये है हमारे हरी भाई साहब, इनसे हमें ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहां इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्या मिल रहा है, 2000 रुपए कैश आ रही है भैया, कितनी आ रही है 2000, तो इंटरेस्ट के नाम पे क्या आया आपके पास, कैश आई, तो पहली चीज तो कैश आ रही है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा आपके लिए, कैश हो जाएगा डेबिट। नंबर दो बात, अब यहां हरी भी है जिससे कैश मिल रही है और इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट हमारा ब्याज है, इसलिए ये है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सारे देखो इनकम हो रही है ना आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब भैया इंटरेस्ट हरी से मिलो या राकेश से मिलो या मोहन से मिलो, किसी से भी मिलो, फाइनली बिजनेस को इनकम हो रही है, तो बिजनेस को इनकम हो रही है तो वहां फिर पर्सनल अकाउंट की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल लिया था ऊपर, वो माल बेचने का खरीदने का, कि यह आपकी दुकान रही, अब दुकान पे आप गए, आपने 10 रुपये का पेन दिया, तो आपने 10 रुपये का पेन लिया, सॉरी 10 रुपये दिए पेन लिया, दुकानदार आपका नाम नहीं पूछेगा क्योंकि कैश आ गई, गुड्स चला गया, खत्म बात, है ना, या फिर हम कहेंगे कैश गई गुड्स आ गया, खत्म बात। अब आपने किराया दिया तो आपका खर्चा हुआ, खर्चा मेंटेन करना जरूरी है, हरी का अकाउंट, हरी का नाम लिखना जरूरी नहीं है, आपका खर्चा किस वजह से हुआ, आपका खर्चा हुआ है इंटरेस्ट की वजह से, सॉरी यहां पर तो रिसीव हो रहा है वैसे, तो आपकी इनकम हुई है इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट लिखना जरूरी है रादर देन हरी, हरी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में नगद माल खरीदा, अब ये बिजनेस है आपका, अब बिजनेस में वैसे तो आपने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, ये सब क्या थे आपके असेट्स से, अब आप गुड्स खरीद रहे हो, है ना, तो गुड्स नहीं आ रहा, गुड्स वैसे तो आएगा, ये गुड्स है, तो वैसे तो बिजनेस में गुड्स आएगा और कैश जाएगी, तो एक अकाउंट तो क्लियर करें, कैश जा रही है 30,000 रुपये, कैश जा रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, ये तो क्लियर, पर गुड्स का आना आपके लिए असेट आना नहीं है, क्योंकि गुड्स बेचना है आपको, क्यों खरीदा है, बेचने के लिए, तो गुड्स को खरीदना आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्यों है एक्सपेंस, भैया आपने, हमने मशीन खरीदी तब तो आपने मशीन डेबिट किया, गुड्स खरीदने तो आप गुड्स को डेबिट नहीं कर रहे हो। एक बात सुनो कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस से, है ना, तो इनकम कब होगी, जब हम गुड्स को सेल करेंगे तब इनकम होगी, है ना, तो मान लो गुड्स सेल किया 10,000 रुपये में, तो इसको खरीदा कितने में था, 8 में खरीदा था, तो खरीदने का खर्चा हुआ, तो परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो यहां पर डेबिट हो जाएगा परचेज, क्योंकि गुड्स जब भी खरीदो आपका खर्चा होगा और उस खर्चे को क्या लिखना है आपको, परचेज, मशीन खरीदो तो परचेज नहीं लिखना है। तो एक और ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब ये बिजनेस है आपका, इससे गुड्स जा रहा है, है ना, और क्या आ रहा है, कैश आ रही है, तो एक तो क्लियर कि कैश आ रही है, कैश नॉमिनल रियल अकाउंट है इसलिए कैश डेबिट, क्योंकि कैश आ रही है, गुड्स जा रहा है, वही रूल, प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंस, तो गुड्स का जाना आपके लिए इनकम होगा, क्योंकि ये क्या है, सेल, है ना, तो जब भी गुड्स आएगा तो परचेज अकाउंट खोलेंगे जो कि हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और गुड्स जाएगा तो सेल अकाउंट खोलेंगे जो कि हमारे लिए इनकम होगा, इनकम विल बी क्रेडिटेड, दैट्स व्हाई सेल विल बी क्रेडिटेड, ऊपर परचेज हुआ था तो परचेज हो गया डेबिट। ओके, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थे दोस्तों जिनमें हमने अकाउंटिंग रूल्स को रख के देखा कि कौन सा अकाउंट क्या है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, और क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसमें मैंने जर्नल कैसे बनती है, क्यों बनती है, वो नहीं सिखाया, जर्नल के लिए अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, तो अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।